डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और प्रत्येक गांव की गलियारों में बिगुल बज चुका है। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि आज हम जहां पहुंचे हैं वो ग्राम पंचायत है 2PGMB और अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है, जहां सरपंच राजवीर कौर जी ने ताल ठोकी है। किन विकास के वादों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में जो उतरे हैं, इनके हमारे साथ मौजूद है सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि सुखचरण सिंह जी। सुखचरण जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी स्वागत है सर, धन्यवाद आपका। जिस प्रकार चुनावी जंग शुरू हो चुकी है, किन मुद्दों और किन विकास के वादों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? सर, पहले दोस्त सारे सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। और ऐसी बात है सर कि हमने जो ये बेड़ा उठाया है, ये पीछे वाले जो हमारे सरपंच रह चुके हैं उनकी दुर्दशा को देखकर ये बेड़ा हमने उठाया है। पहले तो आप इसी गांव को ले लो, इस गांव की गलियां देख लो। इस गांव में पहले सरपंच सुखपाल कौर जी रह चुके हैं, हंस सुखपाल कौर जी हंस रह चुके हैं, और इस गांव की ही गलियां कच्ची पड़ी हैं। ये इस गांव की दुर्दशा हमने तो जब आए हमने देखा कि इसका भी बुरा हाल है। और 2PGM गांव है तो उसके भी कई लोगों के काम ऐसे हैं, जिनका एक हमारे गांव में था, उसका एक 13 नंबर मकान था लिस्ट के अंदर, जो सेक्रेटरी ने काफी टाइम तक रोक के रखा, तकरीबन 2 साल तक रोक के रखा, वो भी बड़ी मुश्किल से उसे पास करवाया। प्रवीण जी थे वो, अभी उनका यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। और नरेगा का ये हाल है कि नरेगा के अंदर गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, क्योंकि गांव की जो बहू बेटियां हैं वो हमारी भी बहू बेटियां हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं। प्रवीण जी ने ऐसा काम भी किया था हमारे, जो हमें जिसने हमें दुख पहुंचाया, और हम गांव वालों को लेके जाते रहे गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर, तकरीबन 200 आदमी का लेबर लगा दी। जिस जगह लेबर लगाई गई, जिस रास्ते के ऊपर, जब से ये धरती बनी है उस रास्ते के ऊपर से आज तक कोई व्हीकल पार नहीं हुआ। यहाँ नरेगा लगाई गई क्योंकि वो पैसा वेस्ट गया, लोग दुखी हुए। तो इस बात जो ऐसे काम होते हैं, और जो हमारे गांव का सरपंच था जयराम, उसने 2 लफ्ज तक सेक्रेटरी को ये नहीं कहा कि यहाँ से बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरतें, आपने 8 किलोमीटर दूर क्यों लगाई है, यहाँ काम नहीं, या उस गांव के अंदर लेबर नहीं थी नरेगा की। तो ऐसे कामों से हमने दुखी होके ये बेड़ा उठाया है। बिल्कुल, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख में साथ देने वाले हैं, लगातार इलाके में फीडबैक कर रहे हैं, आपको कई समस्याओं से अवगत भी लोगों ने करवाया है। अगर यहाँ की जनता आप पर विश्वास दिलाती है तो बड़ा कोई ऐतिहासिक कार्य जो आप करोगे। सर, ऐसी बात है कि अपने इधर 6PGM का मोगा है जो हमारे 2PGM ग्राम पंचायत के अंडर में पड़ता है। आज तक जब से नहर आई है, इतना जनरल नॉलेज तो मेरे को नहीं है कि नहर कब आई थी, और उसका खाड़ा आज तक नहीं बना बिल्कुल। और 2PGM ग्राम पंचायत होने के बाद मैं ये दुखी दिल से कह सकता हूँ कि जो 2PGM को सरकार द्वारा नक्शे द्वारा जो रोड दी गई थी, आज तक 4 या 5 सरपंच बन चुके हैं, वो रोड आज तक भी चालू नहीं हुई, क्योंकि वो अनूपगढ़ से ITI से निकलती है और 7PGM 6PGM होकर के 2PGM गांव तक आती है। उसका आज तक भी विकास नहीं किया गया, थोड़ा सा खड़बंजा लगाया था, वही बंद कर दिया। बिल्कुल, मतलब कि बुलंद हौसले और इरादों के साथ कहीं ना कहीं आपने ताल ठोकी है। अब बात की जाए शिक्षा की, आप भी शिक्षित हो और जो सरपंच उम्मीदवारी जता रहे हैं राजवीर कौर जी, वो भी शिक्षित हैं, तो बात की जाए बालिका शिक्षा की, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या प्रयास रहेंगे? सर, ऐसी बात है कि जो स्कूल का जो सिस्टम है, पहले तो उसको सेट करना पड़ेगा। और एक हमारे गांव में ये दो, अभी इसी गांव में अभी पाइपलाइन डल रही है, एक पाइपलाइन पहले आई थी, फिर दूसरी, 2 पाइपलाइन आई, कामयाब नहीं हुई, तीसरी पाइपलाइन आई है, वो अभी उसका काम चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया। और 2PGMB का भी आधा इलाका बिना पानी से पड़ा है, और पानी वाले अपने ट्रैक्टर से पानी डाल के जाते हैं, 350-350 रुपए उसका ले जाते हैं, और वो पानी 10 दिन में खत्म हो जाता है। ये भी मजे की बात है, मतलब कि पेयजल की समस्या को बहुत ज्यादा बड़ी याद दिलाने का आपका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। अब बात की जाए नशे की,
क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा इलाका जो है वो सीमावर्ती इलाका है, नशे की खेप होती है, सप्लाई होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। अगर गांव की बात की जाए, यहां की जनता आपको विजयी बनाती है, तो नशे को दूर करने के आपकी प्रमुख भूमिका क्या रहेगी? सर, इसकी भूमिका की बात करें तो ऐसी बात है कि नशे के बारे में हमने पहले सब अपने सपोर्टरों से ये विनती की है कि हम किसी को शराब या किसी प्रकार का नशा नहीं देंगे चुनाव के अंदर, क्योंकि आम ही चलता है, शराब आम ही चलती है। हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, पर हमने ये कह दिया कि कोई भी सपोर्ट करे, वोट करे, उसका धन्यवाद है। अगर कोई शराब मांग के सपोर्ट करेगा या वोट करेगा तो हम उसको तह दिल से नमस्कार करेंगे कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, इनका एक ही लक्ष्य है कि नशा जो है, नशे को नाश करना है, बल्कि नशे की अगुवाई नहीं करनी है। हमारे साथ उम्मीदवार राजवीर कौर जी भी मौजूद है। मैडम, जिस प्रकार 28 तारीख को एक बड़ा अवसर, एक मुकाबला और फैसला होने वाला है, तो तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, इलाका वासियों से और जनता वासियों से? सारिआं नूं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी जनता तो यही अपील है कि मैं सारिआं दी भलाई वास्ते यह कदम उठाया, तो सारिआं दा समर्थन, जनता दा साथ सहयोग मैनूं चाहिए, मैं जनता दा साथ सहयोग दूंगी। बिल्कुल, एक साथ देने की बात की है, विश्वास देने की बात कही है। सुखचंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अंतिम मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि तमाम जो इलाके के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी हैं, युवाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, एक हमारे 2 PM गांव की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे गांव में 25 साल हो गए पंचायत बनी को, 2 PM ग्राम पंचायत का अभी तक कोई सरपंच नहीं बना। बिल्कुल, मैं गांव वालों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे गांव वाले इस बात को मौजूद रखें कि गांव की चिड़िया उड़े तो गांव की तरफ बाहर ना जाए। बिल्कुल, गांव की चिड़िया गांव में ही रहे तो विकास के कार्य सबसे अधिक होंगे। वहीं सुखचंद सिंह जी का और उम्मीदवार जिता रहे राजवीर कौर जी का यही कहना है कि यहाँ की जनता अगर विश्वास दिलाती है, मुझ पर भरोसा रखती है, तो केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा और क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किया जाएगा। हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।